भारतीय अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की रेटिंग एजेंसियों की भविष्यवाणियां सही साबित होती नजर आ रही हैं। जहां रुपया लगातार गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं सरकार की कमजोर नीतियों और फैसले लेने की जटिलताओं की वजह से चालू वित्त वर्ष में विकास दर भी अब रसातल में पहुँच गया है, जो अब घटकर मात्र 4.4% रह गया है। पिछले साल से देश के हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं कि निवेशक भी अब अपना हाथ खींचने लगे हैं। बीते साल की तिमाही के मुकाबले इस वर्ष के निवेश में 1.4% की गिरावट आई है। इकोनॉमी की ऐसी हालत के लिए अब तो आरबीआई ने भी सरकार को लताड़ना शुरू कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि अगर सरकार समय पर एक्शन लेती तो हालात इतने बदतर नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अब इस बात का रोना रो रहे हैं कि भारतीयों को अपना स्वर्ण प्रेम त्यागना होगा। प्रधानमंत्री ने माना कि रुपए की हालत चिंताजनक है। पीएम ने ये भी कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के किफायती इस्तेमाल और अपना निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। रुपए की हालत पर दिलासा देते हुए पीएम ने कहा कि वैसे रुपए की गिरावट से लाभ भी होता है और निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाता है। पीएम के भाषण में उनका दर्द भी खूब झलका। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा देश है जहां का विपक्ष पीएम को चोर कहता हो। मनमोहन के बयान पर विपक्ष ने भी खूब बवाल काटा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने पूछा कि क्या आपने ऐसे देश को देखा है जहां विश्वास मत हासिल करने के लिए पैसों के दम पर सांसदों को खरीदा जाता हो। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष निवेशकों में विश्वास खत्म होने की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सामने कठिन चुनौती है। इसका समाधान तभी किया जा सकता है जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे और संसद को चलने दे। अब मनमोहन ने तो देश के सामने अपना रोना रो दिया, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के पीएम ही सिसकने लगे हैं तो देश को बुरे दौर से कौन बचाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए गिरीश भारद्वाज की रिपोर्ट।